मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए कई मायनों में बहुत ही खास रहने वाला है। हालांकि कर्क राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद मार्च महीने में ग्रहों का खेल कर्क राशि वालों का भाग्य चक्कर बदलने वाला है। कुछ ऐसा भी होने वाला है जिसकी आपने तसव्वुर नहीं किया, कल्पना नहीं की होगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ जो कुछ भी होगा आपके फेवर में होगा और आपको खुशियां भी देगा। को बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है इस महीने। आपकी सहनशीलता की परीक्षा भी होगी, लव लाइफ बेहतर होगी और यह सब कुछ आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे ये मार्च महीने में ग्रहों के अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन की वजह से ऐसा होने वाला है। क्योंकि मार्च महीने में कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी चाल और अपनी ताल बदल रहे हैं और कर्क राशि वालों को कोई बड़ी खबर भी देने वाले हैं। आज की मेरी पोस्ट इसी विषय पर है। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मार्च महीने में जो ग्रहों का खेल होने वाला है बड़े लेवल पर होने वाला है। इस महीने मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं। इसी महीने राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, ये भी शत्रु ग्रह हैं। इसी महीने चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है जो साल 2024 का पहला ग्रहण होगा। इसी महीने बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दो दो बार अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी पूरा महीना ग्रहों के हलचल से गुलजार रहने वाला है और इन तमाम ग्रहों की जो परिवर्तन है उससे कर्क राशि भी अछूती नहीं रहने वाली है। सीधा इफेक्ट कर्क राशि पर पड़ने वाला है। मैं सिलसिलेवार अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ग्रहों की चाल बदलने का जो सिलसिला है वो मार्च महीने के पहले हफ्ते से ही शुरू होने वाला है, जब शुक्र ग्रह 6 मार्च को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके एक दिन बाद ग्रहों के राजकुमार बुध भी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। फिर 14 मार्च को सूर्य अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, उस दिन मीन संक्रांति होगी। 14 मार्च को सूर्य जब मीन राशि में आएंगे तो बुध के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो बुध आदित्य योग बनेगा और राहु के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो ग्रहण दोष भी बन जाएगा। इसी तरह 15 मार्च को जब मंगल ग्रह अपनी उच्च मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे तो शनिदेव के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी परस्पर विरोधी ग्रह मार्च महीने में इकट्ठे हो रहे हैं। फिर 25 मार्च को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। 26 मार्च को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल की मेष राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 31 मार्च को शुक्र ग्रह दूसरी बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन इस बार वो अपनी उच्च मीन राशि में जा रहे हैं। इस तरह मार्च में पूरा महीना ग्रहों के चाल बदलने का सिलसिला चलता रहेगा और ग्रहों के इस चाल का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही मैं इस पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का नाम ही हु हो डा डी डू डे डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। आप मेरी इस भविष्यवाणी को कर्क राशि के मुताबिक भी देख सकते हैं, कर्क लग्न के मुताबिक भी देख सकते हैं, अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष के राशि चक्र की यह चौथी राशि होती है। कुंडली का जो फोर्थ हाउस होता है ये माता और सुख संपत्ति स्थान होता है। इसका इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो केकड़ा है। इस राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हैं। कर्क राशि के लोग बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होती है, बहुत संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, इन्हें सजना संवारना बहुत अच्छा लगता है, ये लोगों के बीच बहुत आसानी से आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। कर्क राशि के लोग अच्छे उपदेशक भी बन जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कला साहित्य संगीत ज्योतिष तक में इनकी रुचि होती है। कर्क राशि के लोग ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, अच्छे वकील डॉक्टर आर्टिस्ट साबित होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, इन्हें यात्राएं करना भी बहुत पसंद होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मार्च महीने में ग्रहों का खेल कर्क राशि वालों की जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। कर्क राशि वालों को परिवार का सहयोग मिलेगा, परिश्रम से भविष्य में लाभ मिलेगा, कैरियर में तरक्की होगी, आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे, मेहनत आपकी सफल होगी, कामकाज बढ़िया रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, आर्थिक लाभ होगा, आपको कार्यस्थल पर सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, एक के बाद एक कामयाबी आपको मिलती चली जाएगी, आपको धन कमाने में कामयाब रहेंगे, अलग अलग सोर्सेज से आपको धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस में आपको लाभ होगा, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, आपको अपने खुद के कार्यों पर
गर्व महसूस होगा। कैरियर के मामले में आपको बेहतर संभावनाएं मिलती जाएंगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेश जाने के मौके मिलेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी, कोई नया प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, जीवन साथी के साथ आप इमोशनली और करीब आएंगे और पार्टनर के साथ कहीं घूमने का आप कार्यक्रम भी बना सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है, तलाकशुदा है तो जीवन में कोई नया पार्टनर आने के योग भी बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए मार्च महीना इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बढ़िया है, आप चाहे तो किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश कर सकते हैं, आपको पार्टियों में, समारोहों में, कार्यक्रमों में शामिल होने के मौके मिलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी और निखर कर सामने आएगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे। कर्क राशि के जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, मल्टीमीडिया से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके सपने पूरे होंगे, उनका कैरियर बहुत तेजी से गति पकड़ेगा, आप आसानी से अपने लक्ष्य हासिल करने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और कर्क राशि के जो विद्यार्थी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि के लोग अगर घर की डेकोरेशन करना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, साज सज्जा पर खर्च करना चाहते हैं, लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और विदेश सेटल होने का सपना भी साकार हो सकता है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही, इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेनी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार।